प्यारे बच्चों, मैं सूर्य प्रताप सिंह SDS विद्यापीठ से आप लोगों को कक्षा 5 में विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। विज्ञान का पहला चैप्टर है पौधों में प्रजनन। पौधों में प्रजनन कैसे होता है, इस पहले चैप्टर में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार से मनुष्यों एवं पशुओं की भांति पौधों में भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है। प्रजनन का मतलब होता है नए पौधों को जन्म देना। प्रजनन की प्रक्रिया पौधों में नए पौधों के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो प्रकार से होते हैं, जैसे प्राकृतिक प्रजनन और दूसरा होता है कृत्रिम प्रजनन। अब हम जानेंगे कि प्रजनन बीजों द्वारा, प्राकृतिक प्रजनन जो होता है वह दो भागों से होता है, पहला बीजों द्वारा, दूसरा कायिक प्रजनन। बीजों द्वारा प्रजनन कैसे होता है, पौधों में प्रजनन का मुख्य स्रोत बीज होता है। सभी बीजों में भ्रूण विद्यमान रहता है। बीज अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीज के कौन कौन से भाग होते हैं, बीज के भाग क्या हैं। एक बीज को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो देते हैं, उसके बाद पानी से बाहर निकाल लीजिए। फिर आप देखेंगे कि बीज थोड़ा सा फूल जाता है, आप उसके ऊपर का बाहरी छिलका देखेंगे जिसे बीजावरण कहते हैं, इसके ऊपर के छिलके को उतार लीजिए, आपको बीज पत्र दिखाई देगा। कुछ बीज जैसे चना, मटर, सेम में दो बीज पत्र होते हैं। कुछ बीज जैसे गेहूं, मक्का, चावल आदि में एक ही बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र को ध्यान से देखें, आपको छोटा सा भ्रूण दिखाई देगा। उचित परिस्थितियां मिलने पर यह भ्रूण विकसित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं, यानी नए पौधे के रूप में धारण कर लेते हैं। अब हम जानेंगे कि बीज अंकुरित कैसे होती हैं, उनको प्रयोग के द्वारा हम अपने घर पर कैसे उसका प्रयोग करेंगे। अंकुरित करने की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, आवश्यक शर्तें ये हैं कि सभी बीजों को अंकुरित के लिए वायु यानी हवा, सूर्य का प्रकाश और जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो गमले लेंगे, दो गमले में चने का बीज बोएंगे, एक गमले को बाहर खुले में रखेंगे और दूसरे गमले को कांच के जार से ढक देंगे जिसमें सूर्य का प्रकाश और हवा न मिल सके। आप देखेंगे खुले हुए जार के गमले का बीज अंकुरित हो रहा है, जबकि जार में रखे हुए गमले का बीज अंकुरित नहीं हो पाया है। जिस बीज को आवश्यकता के अनुसार वायु प्राप्त हो गया वह बीज अंकुरित हो गया, और जिस बीज में वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई वह अंकुरित नहीं हो पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीजों को अंकुरित होने के लिए वायु, सूर्य का प्रकाश और जल की आवश्यकता होती है।